जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अंकल मुन्ना आज आपके पास लेके आया हूँ एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लाहौर में उर्दू बाज़ार में कौन कौन सी मसनूआत अवेलेबल हैं आरायशी, जो कि हम ईद नबी के हवाले से घरों को, महलों को और अपनी गलियों को सजाने के लिए लगा सकते हैं। उसमें हम देखेंगे कि उनके रेट्स भी क्या क्या हैं। ईद मिलाद नबी की मुनासबत से आरायशी मसनूआत के लिए मुल्क भर में खसूसी स्टॉल्स कायम किए गए हैं और शहरों की बड़ी तादाद, बच्चे, बूढ़े और जवान सब जो है, हर किस्म का तबका जो है, अपने घर घर गली महलों और गलियों की सजावट के लिए बड़ी मकदार में अशिया उन स्टॉल से ख़रीदने के लिए पहुँच चुके हैं। मुल्क भर में ईद मिलाद नबी की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं, जिसमें बड़े शहर, कस्बों, देहातों में इसकी मुनासबत से खसूसी स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद आरायशी मसनूआत की खरीदारी शुरू कर चुकी है। माह रबीउल अव्वल के आगाज़ से ही कई शहरों में निजी और सरकारी इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया है। ईद मिलाद नबी की तैयारियों के हवाले से नबी और आखिर ज़मा की तालीमात को उजागर करने के लिए खसूसी तकरीबात, प्रोग्राम्स मुनक्कद कर दिए जा रहे हैं। माह रबीउल अव्वल के दौरान दुनिया भर के मुसलमान आपकी वलादत के जश्न को शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। लाहौर में सर्कुलर रोड पे उर्दू बाज़ार के स्टार्ट में और अनारकली के दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है, जहां पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं ईद मिलाद नबी के हवाले से। यहां पे आप देख सकते हैं कि खाना काबा के मॉडल्स और मस्जिद नबी के मॉडल्स भी अवेलेबल हैं, जो नहायत मुनासिब हदीये में मिल रहे हैं। आप यहाँ से जाके अपने महल्ले, घर और गलियों की सजावट के लिए चीज़ें बआसानी खरीद सकते हैं, जो काफ़ी मुनासिब रेट्स पे अवेलेबल हैं। ये जी फ्लैग कितने कितने का? कितने कितने का फ्लैग? हाँ जी जरूर, हाँ जी ये जो 380 वाला, ये कितने फुट का है? 6x4 का। और 280 वाला ये आपको मिलती है, साइज 36x54 इंच। 24 बेटा लाइट लेने के लिए भैया आप वहाँ से जो सामने ये जी मक्का और मदीना का मॉडल आप देख रहे हैं, इसकी हदिया जो है जस्ट 2000 रुपये है। आप उर्दू बाज़ार से आके ले सकते हैं, ग्लोबल पेपर डेकोरेशन की दुकान है इनकी। और इसके साथ बड़े साइज में जो है मदीना का मॉडल अकेले में भी है, जो पीछे पड़ा हुआ है। लड़ी कितने कितने की दे रहे हैं भाई? जब सर सिर्फ अली लेंगे 80 है, LED 150 और डबल स्विच LED जो है 180। और ये जो कलर वाली, ये वाली है सर, ये राउंड वाली, राउंड वाली 700 पर पीस। इसका अडॉप्टर भी साथ में जी। ये रिमोट वाली है जी? नहीं, ये विदाउट रिमोट, विदाउट रिमोट है ये, विदाउट रिमोट। अच्छा, से डिफरेंट चलती रहेगी। सही, ये 180 की ये वाली सर। और ये 80 भी इसकी सर। पेंट भी जाना, पेंट भी जाए।
सर ये नालैन जो है वो कितने का? ये जो एलईडी लाइट के साथ लगा ये 1500 रुपये का पर पीस है, और इस साइड पे जो भी लगे नालैन मस्जिद गुम्बद ये 300 रुपये का पर पीस है, ये जी 180 रुपये। ये कितने कितने का पीस है भाई? ये 300 का, ये 200 का। और ये वाला मॉडल उस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने भी ईद मिलाद नबी की नस्ब से खुसूसी तकरीबात के एहतमाम की हदायत की हैं, और वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म की हदायत के रोशनी में आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों सूबाई हुकूमतों को मरासिल जारी कर दिए हैं। माह रबी अव्वल उम्मत मुसलमान के लिए एक ख़ास अहमियत का हामिल महीना है, क्योंकि इस महीने में नबी और आखिर ज़मां हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई, जो इंसान कामिल हादी आमिल और वजह तख्लीक कायनात हैं। रबी अव्वल उम्मत मुसलमान के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। इस माह मुबारक में हजूर अनवर सरवर कोनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया को अंधेरों से निकालने के लिए भेजा गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनकर आए। वो हर शोबे में उस दर्जे पे फाइज हैं जहाँ पे कोई और इंसान कभी भी नहीं आ सकता। ईद मिलाद नबी एक त्यौहार या खुशी का दिन है जो दुनिया भर में मुसलमान मनाते हैं। ये दिन हजूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की मुनासबत से मनाया जाता है। ये रबी अव्वल के महीने की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। रबी अव्वल इस्लामी तकवीम के लिहाज से तीसरा महीना है। वैसे तो ईद मिलाद नबी और महफिल नात का अहतमाम पूरे साल ही जारी रहता है, मगर खसूसन माह रबी अव्वल में ईद मिलाद नबी का त्यौहार पूरी मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। यहाँ पे आप बाजार में देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे रंग बिरंगे मसनूआत दस्तयाब हैं। यहाँ पे आप देखें कि कितनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, और बहुत ही नए अंदाज में चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बना के लगाई हुई हैं। आप लोग जब भी यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके आप बहुत आसानी से यहाँ से आप अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत स्टॉल्स लगे हुए हैं, और बाज़ार में बहुत सारा रश है, लोग अपनी पसंद की चीज़ें लेके जा रहे हैं अपने गली मोहल्ले और घरों को सजाने के लिए। बहुत ही जोश व खरोश के साथ लोग मना रहे हैं, और इनको इसी तरह से हमें सबको भी इस तरह से मनाना चाहिए। बहुत ही मुनासिब रेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे उर्दू बाज़ार में। आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। ये देखिए ये कुछ नए अंदाज के डेकोरेशंस हैं जो इस दफ़ा आप बाज़ार में देखेंगे। छोटे साइज़ में जो हैं वो तकरीबन 720 रुपये दर्जन के हिसाब से हैं। ये देखें ये ब्रोच हैं यहाँ पे सीने पे लगाने के लिए शोल्डर पर, बहुत ही खूबसूरत मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है इस पर। तकरीबन इसका रेट जो है वो 50 रुपये से लेके 200 रुपये तक अवेलेबल है। डिफरेंट साइज़ के साथ जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत है ये, और इसके साथ ये देखिए रंग बिरंगी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं जो बहुत ही दीदाजेब हैं। इसमें फानूस भी बने हुए हैं बहुत सारे।
इलेक्ट्रिक लाइटें भी हैं इसमें लगी हुई कुछ। ये देखिए किस तरह से फनूस लगे हुए हैं बने हुए। यहाँ पे आके आप चॉइस करना मुश्किल हो जाएगा आपको कि आप कौन सी चीज़ लें और कौन सी छोड़ें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं। और इतने के हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं ये बहुत ही अच्छी हैं और आप इनको नहायत खूबसूरती से सजा भी सकते हैं। जो डेकोरेशंस यहाँ पे लगी हुई हैं ये देखिए, ये कितने खूबसूरत झंडे बने हुए हैं जिनमें खाना काबा और मस्जिद नबी की तस्वीरें भी हैं, नालायन रसूल भी हैं यहाँ पे, हर रंग में अवेलेबल है, येलो में, वाइट में और रेड में, काफ़ी अच्छा शाइनिंग कलर उस पर हुआ हुआ है और बहुत ही मुनासिब रेट में है। ये 70 रुपीज़ का पर पीस मिल रहा है यहाँ पे, जस्ट 70 रुपये का पीस है ये। अगर ये कि आप यहाँ पे अगर आए तो आप बहुत सारे पैसे लेके आए ताकि आप यहाँ से अच्छी चीज़ें लेके जा सकें। ये देखिए ये डेकोरेशंस भी बहुत खूबसूरत लगी मुझे, मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं इनको। इनके रेट्स भी इन पे अवेजा हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके रेट्स। ये देखिए मुनासिब रेट्स में हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ में है इसलिए तकरीबन 100 रुपीस का पर पीस पड़ता है, ये 12 के हिसाब से लगाया हुआ इन्होंने दर्जन के हिसाब से। और छोटे साइज में भी अवेलेबल है, जो ये तकरीबन 720 रुपये का है दर्जन। और हर रंग में ये देखें अवेलेबल है। यहाँ पे ये लड़ियाँ भी बड़ी खूबसूरत लगी हुई हैं और ये प्लास्टिक की हैं जो कि वाटरप्रूफ भी हैं, और ये तकरीबन 80 रुपीस की पर लड़ी जो है ये फरोख्त करें। और काफ़ी सारे रंगों में अवेलेबल हैं, ये तकरीबन 6-7 रंगों में अवेलेबल है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके साथ लाइट लगी हो अगर तो और ज़्यादा शाइन करेगा ये। ये देखिए ये बल्ब इसमें लगते हैं, इलेक्ट्रिक हैं ये बल्ब लग जाते हैं इसके अंदर। तकरीबन ये दोनों ही जो हैं ये तकरीबन 400 रुपीस में मिल जाते हैं। स्विचेस और तार इनके साथ लगी हुई है, होल्डर इसमें लगा हुआ है, आपने जस्ट बल्ब इसमें लगाना है। ये देखिए बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश हो चुका हुआ है और अभी दोपहर का वक्त है, शाम को जैसे जैसे शाम होती जाएगी यहाँ पे बाज़ार में रश और ज़्यादा होता जाएगा। ये डेकोरेशंस भी देखें आप, बहुत ही अच्छी हैं ये भी, लाइट्स में ये ज़्यादा शाइन करेंगी, अभी डे लाइट में ये इतनी शाइन नहीं कर रही। ये देखिए ये काफ़ी सारी रंग बिरंगी लड़ियाँ लगी हैं, खूबसूरत से फूल लगे हुए हैं ये। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। इतन नदवी के हवाले से सबको दिखाइए कि यहाँ पे सजावट की कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बहुत सारी दवाओं के साथ।